हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को कंफर्म करना होगा कि मैं लाइव दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरी आवाज़ वीडियो ठीक से आप तक पहुँच रही है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ साथी और जुड़ जाएं, फिर हम शुरू करेंगे। जी बसंत जी, आपको आवाज़ और वीडियो मिल रहा है? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं? बढ़िया बढ़िया, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, 1 मिनट रुक जाते हैं, कुछ साथी और जुड़ जाएं, फिर एक साथ शुरू करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, पत्रकारिता में करियर। जी स्नेहा जी, थैंक यू। लक्ष्मी सर, शर्बानी मैम, थैंक यू। मेरी आवाज़ में थोड़ी आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि वो गला ख़राब है और मैंने इसकी व्यवस्था भी कर रखी है, गर्म पानी रखा है मैंने अपने साथ में, तो बीच बीच में शायद मैं रुकूं इसके लिए। अब मेरे ख़्याल से 20 लोग जुड़ गए हैं, तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज क्लब में, इस ग्रुप में मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत सारे यूनिक करियर्स पे 2 दिन में चर्चा हुई है, और आज जो तीसरा दिन है वो पत्रकारिता में करियर को लेकर बात करनी है मुझे। दरअसल ये बहुत फेमस करियर का एक ऑप्शन जो है बनता जा रहा है, और लक्ष्मी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको इस वर्कशॉप में इंक्लूड किया, क्योंकि सामान्य तौर पे माना जाता है कि भाई पत्रकारिता, क्योंकि अब बहुत दिखने वाली चीज़ हो गई है, आसपास बहुत सारे पत्रकार दिखते हैं तो लोग उस करियर को चुनते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे या जो पत्रकार जो फील्ड में हैं उनको बहुत सारी बातें जो आने वाले लोग हैं उनसे करनी है, और ये मौका देने के लिए लक्ष्मी सर और सिविल सर्विसेज क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ जो लोग जुड़े हैं वो उसमें कुछ लोग होंगे जिन्होंने जो पत्रकारिता के फील्ड को समझते होंगे, कुछ लोग होंगे जो बाहर से उसको देखते होंगे सरसरी निगाह से बहुत कम, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले इस फील्ड के बारे में जो मैंने समझा अपने अब तक के करियर में वो बताने की कोशिश करूँ कि दरअसल ये फील्ड है क्या, और एक शब्द है मीडिया और एक शब्द है पत्रकारिता, तो कई बार दोनों को हम एक तरह से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मीडिया है उसका वो एक कम्युनिकेशन होता है उसमें, लेकिन वो एक उसे कहेंगे कि एक विस्तृत वृहत फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जिसमें फिल्म शामिल है, गाने शामिल हैं, कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया, लेकिन जो पत्रकारिता है वो थोड़ा सा उससे अलग है, मीडिया का पार्ट है, और उस पर हम उसके जो फॉर्मेट हैं और जो अभी चल रहा है पहले उससे शुरू करते हैं। कुछ सेगमेंट्स में इसको बांटा है मैंने कि पहले पत्रकारिता के फील्ड को समझेंगे, फिर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि भाई कौन पत्रकारिता में आए, क्योंकि ये जो सवाल है इसका अगर जवाब मिल जाए तो पत्रकारिता का फ्यूचर जो है उतने तरह का होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। तो बहुत बेसिक सी बात है कि हम जो देख रहे हैं चार फॉर्मेट, अभी प्रिंट से शुरू करते हैं, प्रिंट सबसे पुराना और अभी तक चलने वाला और लगातार बढ़त दर्ज करने वाला रीडरशिप में एक फॉर्मेट है मीडिया का, जिसमें जो खबरें हैं, जो तरह तरह की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक प्रिंट फॉर्मेट में एक पेपर पे छप के आप तक पहुंचती है, और उसका एक है 12 घंटे का एक साइकिल है, और अलग अलग कभी सांध्य दैनिक भी होते हैं, कभी दोपहर का अखबार होता है, तो इस तरह से आप तक पहुंचता है। उसमें मैगजीन्स हैं जो कि कई बार 7 दिन में आपको मिलते हैं, कई बार 15 दिन में मिलते हैं। तो प्रिंट मैं पूरे जब मैं एक फॉर्मेट की बात करूंगा तो उसके बाद उसके रेवेन्यू मॉडल और उसके, क्योंकि हम करियर की बात कर रहे हैं तो इसमें इससे जुड़ा हुआ पैसों का बड़ा उसको भी जानना समझना ज़रूरी है कि वो क्या मॉडल क्या है रेवेन्यू का। तो प्रिंट जो है उसमें एक खास बात होती है प्रिंट की कि वह एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट है जर्नलिज्म का। जैसे आपने गौर किया होगा कि पत्रकारिता में जो अखबार जो हैं वो शहर शहर पे बेस्ड होते हैं, एक अखबार का जो 1 या 2 या 3 पन्ने अखबार के अपने पॉलिसी के हिसाब से वो उस शहर को डेडिकेट करते हैं। जैसे भोपाल से बहुत सारे अखबार निकलते हैं, फिर इंदौर से बहुत सारे अखबार निकलते हैं, पटना से निकलते हैं, हर शहर का अपना एक अखबार होता है, और जो बड़े अखबार हैं देश में उनके कई शहरों में एडिशंस हैं।
तो इसमें इसकी खास बात यह है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है खबरों का, तो आपको अपने आसपास की खबरें आपको अपने मिजाज के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से मिलती है। और इससे एक जुड़ा हुआ जो बड़ा तथ्य है कि इसका एक फायदा यह है कि रेवेन्यू मॉडल में इसका बड़ा योगदान है जो लोकल, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि अखबार में काम कैसे होता है। तो बेसिक सा फॉर्मेट है कि जैसे पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो पत्रकारिता में एक होता है न्यूज़ गैदरिंग करने वाला, जो रिपोर्टर होता है वो खबरें लाता है। फिर उसके लिए एक डेस्क होता है जो उन खबरों को का सिलेक्शन करते हैं, उसमें से जो खबरें उनको लगती है कि आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एडिटर के साथ मीटिंग में डिसाइड होता है, और उस खबरों पे विजुअल एलिमेंट पे काम होता है। और इस तरह से हर शहर में बहुत सारे पत्रकार खबरों को अलग अलग बीट्स डिवाइड होती हैं, जिसमें क्राइम, कल्चर, पॉलिटिक्स, अलग अलग तरह की जो आप खबरें पढ़ते हैं, अलग अलग पेज होते हैं, उसकी तरह की खबरें खोजी जाती है, निकाली जाती है। इसके बाद इसमें जो अखबार हैं, जो स्थानीय अखबार हैं, जिनका बहुत भीतरी गांवों तक या रिमोट एरिया तक जिनका सर्कुलेशन है, जिनकी पकड़ है, तो वहाँ बहुत सारे स्ट्रिंगर्स होते हैं जो वहाँ से अपने लोकल एरिया से, किसी जिले से, किसी तहसील से खबरें भेजते हैं। तो वो भी एक पत्रकार की तरह काम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमें बहुत दूर दराज की खबरें बहुत आसानी से मिल जाया करती हैं। एक ज़माना था जब मैं अपने सीनियर से सुनता हूँ कि खबरें लिख के हाथ से बस से भेजा जाता था, जो अंतिम बस आती थी उस इलाके से, और फिर धीरे धीरे अब देखिए कि प्रिंट मीडिया सिर्फ सबसे पुराना फॉर्मेट हो सकता है, पर प्रिंट मीडिया के भीतर जो कामकाज होता है वह बिल्कुल मॉडर्न है। उसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें जो जो प्रिंट के जो जर्नलिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो काफ़ी मॉडर्न है, और आप तक जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो काफ़ी मॉडर्न है। तो ये प्रिंट मीडिया का स्वरूप हो गया मोटा मोटा। इसके रेवेन्यू मॉडल पे मैं इस सेगमेंट के जस्ट बाद में बात करूंगा। अब हम प्रिंट के बाद जो आया, जो रेडियो की बात कर लेते हैं। रेडियो में पत्रकारिता बहुत कहेंगे कि शुरुआती दौर में गांव तक खबरें पहुंचाने के लिए बहुत एक एक इम्पोर्टेंट टूल था, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी रिवाइव भी हो रहा है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ का जो की जो सर्विस है, वो काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन्होंने अपना ऐप बना लिया, अब तक आवाज़ के जरिए वो खबरें पहुँचा रहे हैं और रिवाइव हो रहा है। एक दूसरा पार्ट है इसमें एफएम रेडियो का, जिसपे बहुत खबरें अभी बहुत ओपनली बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आती है उनकी, उनको अभी शायद परमिशंस में, और जिसमें जो कहते हैं कि न्यूज़ बुलेटिन आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन इंफोटेनमेंट का एक बढ़िया मॉडल है और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। लोग अब जब से मेरे ख्याल से मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब से लोगों ने कार में एफएम सुनना शुरू किया है, तो ये रेडियो एक तरह से फिर से हमारे जीवन में वापस आ रहा है। तो ये एक रेडियो का फॉर्मेट है। इसमें भी जैसे न्यूज़ सेक्शन की बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो हर शहर में जहाँ जहाँ उनका स्टेशन है वहाँ एक टीम होती है छोटी सी, न्यूज़ गैदरिंग, वही न्यूज़ रूम होता है जिसमें रिपोर्टर खबरें लेके आता है, और फिर उसमें एडिटर्स होते हैं और वह डिसाइड करते हैं कि उन खबरों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। इसके बाद टीवी जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं। यह भी एक बिल्कुल बहुत पुराना फॉर्मेट नहीं है, और ये जो 24 घंटे के न्यूज़ चैनल्स आए उसके बाद हमारे देश में अभी करीब 300 चैनल्स होंगे जो कहीं ना कहीं न्यूज़ से जुड़े हुए हैं या खबरें दे रहे हैं। तो टीवी जर्नलिज्म में आपने देखा होगा कि एक बहुत पॉपुलैरिटी गेन की, और आपने अपने तहसील स्तर पे, अपने जिले स्तर पे, अपने कई शहरों में जो टीवी के जो माइक आईडी कहते हैं उसे, वो लेते हुए कम से कम एक शहर में 30-35 टीवी के चैनल्स जो है मैं देखता हूँ, जिसमें टीवी में भी दो तीन फॉर्मेट काम करते हैं। जैसे कि टीवी का एक जो नेशनल लेवल का जो शुरुआती दौर में आया था कि पूरे देश के लिए खबरें, इसके बाद धीरे धीरे जब वो एक्सपैंड हुआ तो रीजनल चैनल्स आने लगे, फिर लोकल चैनल्स आने लगे, और अभी रीजनल चैनल्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का के बहुत सारे चैनल्स हैं जो नेशनल मीडिया के, जो नेशनल लेवल पे चैनल्स चलाते हैं, वही रीजनल लेवल पे भी उन्होंने अपना एक नया चैनल खोल रखा है, और खबरों को प्रेजेंट करने का, आपको लोकल लोकल खबर देने का एक बढ़िया सिस्टम है उसमें। तो उससे मैं फिर इसमें करियर को इसमें फिर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है स्ट्रिंगर्स का, तहसील तहसील तक स्ट्रिंगर्स फैले हुए हैं जो अपनी खबरें भेजते हैं, वहाँ से शहरों में रिपोर्टर्स होते हैं अलग अलग बीट के टीवी में। इसमें कुछ जब चैलेंज की बात हम करेंगे तो इसमें रिपोर्टिंग में जो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और किस तरह से रिपोर्टिंग थोड़ी सी कहूँगा कि टीवी मीडियम रिपोर्टिंग किस तरह से थोड़ी कम होती जा रही है, अलग तरह के शोज बन रहे हैं,
जिसमें एंकर की तरफ सारा फोकस चला गया। इस पर भी बात करेंगे और इसमें करियर ऑप्शंस भी देखेंगे, इसका रेवेन्यू मॉडल भी देखेंगे। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वेब, मतलब वेब का नाम सुन के बहुत सुकून मिलता है क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ जो पुराने आपने जो प्रिंट में जो फीचर्स देखे, जो रेडियो में देखे, जो टीवी में जो फीचर्स हैं, सबका एक समागम हो गया है यहाँ पे। वेब में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं वेब में, क्योंकि वेब का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली कम है। और इस कहेंगे कि हम सबके हाथ में एक ताकत भी है कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया के जरिए आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये भी एक वेब का एक टूल है। जो नेशनल लेवल के जो बड़े वेबसाइट्स हैं उसमें ज़्यादातर जो न्यूज़ के वेबसाइट जो हैं उसमें ज़्यादातर जो मेनस्ट्रीम मीडिया के जैसे जो पत्र जो प्रिंट मीडिया में हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में, उनकी वेबसाइट हैं। लेकिन यहाँ पे वेब में एक जो नया रास्ता खुल रहा है वह है कि बहुत सारे लेवल पर बहुत इनोवेशन हो रहा है। जैसे कि ऐप के फील्ड में जाएं, आप ऐप्स देखें हम अगर खबरों को देने वाले, तो जो खबरों का डिसेंट्रलाइजेशन होता है जो अखबार में हम देखते हैं, वही एक क्योंकि टेक्नोलॉजी है बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैंने कुछ ऐप्स देखे जो आपके गांव की खबर देता है। मुझे मेरे गांव की खबर बहुत इंटीरियर इलाके में है और मुझे मेरे गांव की खबर वहां से मिल जाती है और मेरा कोई ग्रामीण साथी वहां से खबरें दे रहा है। कई ऐप जो हैं वो शहर शहर को डेडिकेटेड होके काम करते हैं। मैं कुछ नाम भी ले लूँ, V2 न्यूज़ को मैं काफ़ी देखता हूँ कि लोकल खबरें दे रहा है। आजकल आप फेसबुक पर ऐड भी देखते होंगे, एक ऐप है पब्लिक, उस पर मैं देखता हूँ कि लोकल खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं। वेब में काफ़ी संभावनाएं, इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। वेब में शुरुआत जब वेब की हुई थी तो वो डेस्क ओरिएंटेड लगा था मुझे, और बहुत वो चिंताजनक भी लग रहा था कि जब प्रिंट में रिपोर्टिंग हो रही है, टीवी में रिपोर्टिंग हो रही है, तो वेब में वो रिपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आ पा रहा। और मैं इसका कई लंबे वक्त से मैं इंतज़ार कर रहा था। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे शुरू होते हुए अब ये वेब में जो रिपोर्टिंग का कल्चर है, पहले ये क्या करते थे जो इनका मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है जिससे जो पहले प्रिंट में आता है उसके बाद वेब में आती थी खबरें, अब सीधी रिपोर्टिंग होने लगी हैं, एक्सक्लूसिव खबरें आने लगी हैं। और शहर शहर का अपना अपने वेबसाइट्स बन गए हैं बहुत लोकल लेवल पे। आप वेब में देखेंगे कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हैं, उस पर आप देखेंगे कि खबरों का एक बहुत लोकलाइज खबरें हैं, बहुत आपके आपकी स्थानीय खबरें, आपके आसपास की खबरें आप तक पहुंच जाती हैं। सोशल मीडिया पे जो कि जिसे कहेंगे कि पत्रकारिता के जो कुछ मानदंड हैं उसमें बहुत कुछ फिट नहीं बैठता, लेकिन आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन वहाँ भी हो रहा है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। और वेरीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अप्लाई करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं फेक न्यूज़ का दौर है। तो मैंने ये चार मोटे मोटे फॉर्मेट की बात की जिसमें वेब में अभी बहुत फॉर्मेट्स, मतलब वेब के जो सब फॉर्मेट्स कहेंगे जो उसके उसकी शाखाएं हैं उस पर बहुत बात की जा सकती है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब इसके रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से है, क्योंकि कम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन तो हर कोई कर रहा है सोशल मीडिया के आने के बाद, वेब के आने के बाद, लेकिन जो करियर की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें जो पैसे का एलिमेंट है, जो रेवेन्यू मॉडल है, उसको भी साथ में सोचना पड़ेगा। तो प्रिंट का रेवेन्यू मॉडल बहुत खूबसूरत रेवेन्यू मॉडल, जिसमें हम जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि डिसेंट्रलाइज्ड है, हर शहर का अपना अखबार होता है, हर शहर के अपने बिजनेस होते हैं छोटे बड़े। और तो प्रिंट का रेवेन्यू मॉडल जो है रेवेन्यू आने का तीन या चार जरिया है, जिसमें सब्सक्रिप्शन एक है, जिससे बहुत एक चिंता की बात भी है कि प्रिंट का जो सब्सक्रिप्शन है वो लगातार बढ़ता ही गया है अभी तक, लेकिन सब्सक्रिप्शन से प्रिंट मीडिया को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जो अखबार के प्रोडक्शन का कॉस्ट है, जैसे आप तक अखबार 5 या 6 रुपए में पहुंच रहा होगा, कुछ अखबार 3 या 4 रुपए में आप खरीद रहे होंगे, लेकिन उस अखबार का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें जो इंक लगा है, उसका जो पेपर है जो लगातार महंगा हो रहा है, और उसमें जो उस प्रोसेस में जो रिपोर्टर खबर लाता है, उसके अंदर जो प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है, उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है, और सब मिलाते हैं तो 30 से 35 रुपए तक पहुंच जाता है वो कॉस्ट। और जैसे जैसे सर्कुलेशन बढ़ रहा है अखबार का, वो कॉस्ट बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एक तरह से आप कहेंगे कि सर्कुलेशन बढ़ रहा है, रीडर्स बढ़ रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन से अखबार को बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती। उससे मेरे ख्याल से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कि अखबार प्रिंटिंग मशीन से लेकर आपके घर तक पहुँच जाए, वो निकल जाए, तो मुझे लगता है बहुत होता होगा। कुछ अखबारों ने थोड़ा बहुत अपना रेट बढ़ाया है आगे बढ़ के, और आपस में लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये रेवेन्यू मॉडल का एक पहला ये जो इनकम आने का एक जरिया है उसके बारे में मैंने बताया।
एक दूसरा है गवर्नमेंट एड्स, सरकारें ऐड देती है, आपने देखा होगा योजनाओं का प्रचार आप देखते होंगे राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, आजकल एक राज्य दूसरे राज्य के अखबारों में ऐड दे रही हैं, और कई सारे जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे अभी COVID-19 का जब तास्ती चल रही है, तो आपने कई जागरूकता के ऐड देखे होंगे अखबारों में। तो एक सरकार का एक ऐड देने का सिस्टम होता है, हर साल एक बजट होता है, कुछ अखबार के मापदंड तय होते हैं कि इन अखबारों को ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उनके रेट्स तय होते हैं उनके सर्कुलेशन के आधार पे। तो एक बड़ा ये जो रेवेन्यू का एक जो बड़ा जरिया है अखबार का, ये भी है। और छोटे अखबारों में तो कई बार 70% तक रेवेन्यू गवर्नमेंट ऐड से आती है। और एक तीसरा जरिया है कॉरपोरेट ऐड्स, जो आप देखते हैं कि बड़ी गाड़ियों के ऐड्स देखते हैं, बड़ी कंपनियों के ऐड्स आप देखते हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे चलते हैं, हर जगह पॉपुलर होते हैं, तो वो अखबारों में ऐड काफ़ी देखने को मिलते हैं, यहाँ से पैसा आता है। एक चौथा, एक जो और भी मतलब ऐड का जो प्राइवेट सेक्टर से जो ऐड आ रहा है, उसमें है लोकल बिजनेस का ऐड। इसमें अगर रेवेन्यू मॉडल की मैं बात करूँ, तो इसमें एक छोटा सा चैलेंज इसके साथ मैं जोड़ते हुए जा रहा हूँ, ताकि आगे फिर से इस पर ना आना पड़े। एक चैलेंज ये है कि पिछले, आप सब जानते हैं, पिछले कुछ समय से जो इकोनॉमी लगातार डाउन हो रही है, हम सब उसको फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हर फील्ड में, हर सेक्टर में लोग उसको देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो रेवेन्यू है वो श्रिंक हो रहा है, किस तरह से जो मॉडल्स हैं बिजनेस के वो थोड़े से उनको बहुत थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें यह है कि जो लोकल एड्स, जो मैं बात कर रहा था छोटे बिजनेसेस की, मझौले बिजनेसेस की, जो दुकानें होती हैं जो मॉल्स में, और कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अखबार को ऐड देते हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है। मैं कई बार बहुत इंटरेक्ट करता रहता हूँ अपने साथियों के साथ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि उसमें काफ़ी कमी आई है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह, हम सब उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन उसकी कई वजह हो सकती है। एक तो जो सोशल मीडिया का जो जिस तरह से इंटरवेंशन हुआ है हम सब के लाइफ में, तो हम उसमें अपने फीड में कई सारे ऐड देखते हैं, काफ़ी अभी तो काफ़ी सस्ता है वो काफ़ी, और उसमें दिख भी जाता है कि हमारे ऐड का क्या रिस्पॉन्स आया, कितने लोगों तक पहुँचा, तो इस वजह से भी और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन कुल मिला के ये एक बेसिक मॉडल है जो फंक्शन कर रहा है प्रिंट का, और ये बहुत सुखद आश्चर्य है कि लगातार कई सारे चैलेंजेस झेलने के बाद, प्रिंट शुरुआत से, जब रेडियो आया तो लोगों को लगा कि प्रिंट की तो हालत ख़राब हो जाएगी बॉस, फिर जब टीवी आया तो लोगों को लगा कि जब हम खबर हर सेकंड, अब हम जब अपडेट देख सकते हैं तो प्रिंट की क्या ज़रूरत है, वेब आया, लेकिन अभी भी एक तरह की ज़रूरत बनी हुई है, लोग उसको बहुत चाव से पढ़ते हैं, बहुत बहुत भरोसा जताते हैं, और इसलिए जो हम देखते हैं कि जो सर्कुलेशन है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रिंट मीडिया ने अपने आप को काफ़ी बदला भी है, खबरों का प्रेजेंटेशन का तरीका बदला है। अब आते हैं वेब के, रेडियो के रेवेन्यू पे। तो रेडियो का रेवेन्यू जो, मैं जब पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ, तो जो न्यूज़ देने वाले रेडियो चैनल्स हैं उसमें सरकार का ज़्यादा, जैसे प्रसार भारती है, तो उनके पास अपना उनका ऐड का एक चैनल है जिसमें सरकारी ऐड के साथ प्राइवेट ऐड भी वो लेते हैं, उनका एक रेट है, और वो काफ़ी, आप ऐड सुनते होंगे प्रसार भारती के माध्यम से, आप ऑल इंडिया रेडियो में जब समाचार सुनते होंगे तो विज्ञापन आते हैं बहुत सारे, तो ये उनका एक रेवेन्यू मॉडल है, और वो पब्लिक फंडेड है, तो उसमें कुछ उसका बजट होता है सरकार का, और उससे वो चलता है। FM, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्फोटेनमेंट है उसमें, और इसका जो मॉडल है वो बहुत बहुत इन्होंने इनोवेट किया है बहुत उस मॉडल को, जिसमें मैं देखता हूँ कि लोकल एड्स जो हैं बहुत सारे FM में आते हैं, जो कभी अखबार में नहीं दिखते, कभी TV चैनल पे नहीं दिखते, क्योंकि वो एक अलग तरह से टारगेट करता है ऑडियंस को, और जिसमें सरकारी ऐड भी FM में मिलते हैं, ये इनका रेवेन्यू मॉडल है। और मैं FM के बारे में बताते समय ये शायद बताना भूल गया कि इसमें किस तरह से काम होता है, पत्रकार या जो क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, लिखने पढ़ने वाले, उनकी कैसे जगह रहती है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक RJ जो आप जिनकी आवाज़ सुनते हैं, इसके साथ एक बैकग्राउंड में एक टीम होती है जो रिसर्च करती है, जो शोज बनाती है, और उनका एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है, सारे शोज बहुत, मतलब जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है, रेडियो की टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है, लेकिन जो अंदर जो काम होता है न्यूज़ रूम में वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होती है। तो उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें जो RJ को कब क्या बोलना है, उनके स्क्रिप्ट लिखी रहती है, वो कई बार अपने टीम का साथ लेते हैं, एक रिसर्च होता है हर विषय पर। तो मैंने वो जो छूट गया था वो बताते हुए अब आते हैं TV के रेवेन्यू मॉडल पे। प्रिंट जैसा ही TV में भी कॉर्पोरेट ऐड, गवर्नमेंट का ऐड का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है TV के ऐड का। फिर मैं उसमें भी चैलेंज अब एक जोड़ देता हूँ, क्योंकि आप जब इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं तो जो चैलेंज है अगर वो आपको पता रहेगा तो आप बेहतर तरीके से यहाँ अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, अपना करियर खोज पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस जो है ना वो हमारे लिए, मैं मानता हूँ कि एक हथियार की तरह है, कि चैलेंजेस अगर हमें पता हो
तो हम एक पहले की तैयारी करके आते हैं, और जब फील्ड में आने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या फेस करने वाले हैं। तो इसमें चैलेंज है बॉस कि टीवी मीडिया कोविड 19 का संकट अभी देख ही रहे हैं, इससे पहले भी जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जो श्रिंकिंग हो रहा है, जो जो प्रोसेस एक चल रहा है जिसमें रेवेन्यू कम होता जा लगातार, तो उसमें मैं टीवी के कई बार मैं शौकिया देखता हूँ कि मतलब अपने शौक से मुझे पसंद है कि लोगों के बैलेंस शीट देखूँ मैं, तो टीवी के जो बड़े चैनल्स हैं उनके बैलेंस शीट देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा सेटअप, इतना सब कुछ, और जो फ़ायदा है वो बहुत दिख नहीं रहा, और ज़्यादातर तो नुकसान में रहते हैं जो मीडिया हाउसेज हैं। तो वो एक उनके लिए चैलेंज है, और अब वो चैलेंज बढ़ता जा रहा है। जो टीवी की लीडरशिप की बात हो रही थी, तो मैं इस बीच आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिसमें रीडरशिप सॉरी जो व्यूअरशिप है उसकी और जो ऑडियंस का जो नंबर्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स देखने वाले लोग हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं कोविड 19 के समय, और भी ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से घटा है। और एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि अभी देश के 40 ऐसे टीवी चैनल्स कुछ हैं जिसमें कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ एंटरटेनमेंट के चैनल्स, उन पे बहुत खतरा सा है कि उनके पास जो है रेवेन्यू बचा नहीं है, वो सस्टेन कैसे करेंगे, शायद उनको बंद करना पड़े। और इस बीच में 2-3 चैनल्स मैंने देखे जो एंटरटेनमेंट सेक्टर के थे, और कुछ न्यूज़ चैनल्स जिनको ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये चैलेंज है, रेवेन्यू घट रहा है, लेकिन इसमें जो इनोवेशन होता है, क्योंकि जो चैलेंज होता है उसके साथ हम जूझते हैं, हम जो इंसानी फितरत होती है कि हम उसको उससे लड़ते हैं, और एक टीम लगी हुई रहती है जो ये सोचती है कि इसको कैसे इससे पार पाया जाए। तो अखबार से लेके रेडियो से लेके टेलीविज़न तक हर जगह बहुत सारी टीम लगी होती है जो अलग अलग एक्टिविटी करके, जैसे ब्रांड की कई सारी एक्टिविटी होती है, ब्रांड का कोलेबोरेशन होता है, इस तरह से कई तरह की एक्टिविटी करके वो कोशिश करते हैं कि मार्केट से रेवेन्यू आए और टीवी का फंक्शन स्मूथ हो। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब वेब की बात करते हैं। वेब क्योंकि एक नया मीडियम है और इसमें तकनीक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसमें बहुत सारी जो 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 चीज़ें आपको प्रिंट में नहीं मिल पाती, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको ये नहीं दिख पाता कि कितने लोगों ने देखा, क्या रिस्पॉन्स आया, टीवी में वो बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं दिख पाता, लेकिन वेब में वेब ने उस जो उसको पार्ट दिया एक तरह से कि आपने ऐड दिया तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिला वो दिखने लगता है। अब रियल टाइम में दिखता है कि आपके ऐड को कितने लोगों ने देखा, किसने क्लिक किया, किसने परचेज़ किया, आपने कोई किसी सामान का ऐड दिया हो तो ये काफ़ी फेवरेट एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और वेब में कुछ एजेंसीज हैं वर्ल्ड लेवल की, जैसे उसमें गूगल का बड़ा नाम है एडसेंस नाम से, वो वेब को एक ऐड देती है वेबसाइट्स को। इसके बाद जो लोकल, अब धीरे धीरे क्योंकि लोकलाइज हो रहा है मीडिया का स्वरूप, तो मैं देखता हूँ कि जो शहरों के वेब पोर्टल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं उनको काफ़ी अब विज्ञापन मिलना शुरू हो गया, उनको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो गई है। ये एक वेब जो है एक वो जिसे कहेंगे कि एक बनता हुआ प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे आगे आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ती जा रही है, तो रेवेन्यू मॉडल इसका और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। और इसमें एक जो मैंने जो सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात में जो प्रिंट की कर रहा था कि बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके बाद मैं टीवी की बात कर रहा था, टीवी में भी सब्सक्रिप्शन आप इतना कम पैसा देते हो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल कि उसमें शायद चैनल डिस्ट्रीब्यूट भी ना कर पाए हो, और उनको उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, चैनल आपके घर तक आता है, केबल ऑपरेटर को कई बार टीवी चैनल्स पैसा पे करते हैं, कई बार जो बड़े चैनल्स हैं उन्हें केबल ऑपरेटर से भी रेवेन्यू मिलता है। वो ये ऐसा है कि मार्केट में जो ज़्यादा जितना पावरफुल है, जिसकी जितनी कहते हैं ना बखत है, उस हिसाब से काम होता है। तो वेब ने जो एक जो चैलेंजेस जो पीछे थे उसका एक जो मैं देखता हूँ कि उसका एक सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, जो मैं बात कर रहा था कि रेवेन्यू मॉडल में ऐड के अलावा और क्या मॉडल हो सकता है, तो मैंने देखा है कि कुछ ये ट्रेंड एक विदेश से ही आया। कुछ वेबसाइट्स जो क्योंकि प्रिंट विदेश में कई देशों में जो विकसित देश हो गए हैं उसमें प्रिंट थोड़ा सा बहुत उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं और वेब ने काफ़ी जगह ले ली है, तो उसमें मैंने देखा कि पिछले साल एक लिमोन जो फ्रांस का एक लीडिंग अखबार है, लीडिंग मीडिया ब्रांड है, उनके एक जर्नलिस्ट आए थे भोपाल, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जो जो आपके व्यूअर्स हैं जो आपकी खबरें पढ़ते हैं वो पे करना चाहते हैं,
और लोगों ने जो बड़े वेबसाइट्स हैं आप देखेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल देखेंगे या कई बड़े वेबसाइट्स पे जब आप जाएंगे वर्ल्ड के, तो वो पे वॉल के पीछे उन्होंने अपना कंटेंट रखा हुआ, प्रीमियम कंटेंट। अपने देश में भी इसकी शुरुआत हो गई है पिछले कुछ सालों से। मैं देखता हूँ कि दो मॉडल अभी अपने देश में वेबसाइट में जो रीडर ओरिएंटेड है, जिसमें रीडर जो है वो पे करके अब वेबसाइट रन कर रहा है, उसमें एक है डोनेशन वाला मॉडल, जिसमें जो बड़े ब्रांड्स हैं जो जो सर्वाइव करना चाहते हैं अपनी खबरों के साथ, उनके पास कोई रेवेन्यू, दूसरा रेवेन्यू का मॉडल नहीं है। और कई बार कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वो प्राइवेट एडवर्टाइजर्स से पैसा लें, और क्योंकि खबरें प्रभावित होती हैं उससे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट होता है उसमें, वो भी मैं आगे बात करूँगा। तो फिर इसमें जो रीडर्स जो पे करते हैं, जिसमें डोनेशन का एक मॉडल हो गया, दूसरा मॉडल हो गया सब्सक्रिप्शन का, कि कुछ खबरें आपको दिख रही है, अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ रहा है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, टाइम्स का नाम ले लें, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लें, सब ने अपने जो प्राइम करके या जो एक प्रीमियम कंटेंट जैसा उन्होंने कुछ डिज़ाइन किया, जिसमें आप अगर वो पढ़ना चाहते हैं, इन डेप्थ स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, इससे क्या होगा कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल स्ट्रांग होगा, तो फिर इसमें करियर की संभावनाएं और बढ़ेंगी, और जो एक कहते हैं कि सस्टेन करना, या मीडिया में कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी आना, वो आएंगी। और ये सब लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसमें चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, चैलेंजेस सॉल्यूशंस लगातार आते हैं। मैं जब शुरुआत में कह रहा था कि बहुत पॉपुलर ये करियर है, तो मैं साथ में ये कहना भूल गया कि बहुत चैलेंजिंग करियर भी है, बहुत अलग तरह का करियर है, जिसमें जिसमें आने से पहले हम या एक बार घुसने के बाद हम एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि निश्चिंत हो गए हम, अब तो बॉस करियर सेट हो गया मेरा। अब जैसे होता ना कि हमारे जो पहले के लोग रहे हैं, हमारे पिताजी के समय के, हमारे दादाजी के समय के, एक नौकरी पकड़ते थे और रिटायर्ड होते थे। प्राइवेट में भी मैंने देखा कि वो छोड़ते नहीं थे, एक कंपनी में कोई अकाउंटेंट बन गया तो वो रिटायर होकर ही निकलेगा, और वो ज़िंदगी उनकी बहुत सुकून से बीतती थी। लेकिन अब जो हर फील्ड में जो एक जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है, हम सब जानते हैं आप युवा हैं, जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, लगातार बदल रही हैं, खबरों का ट्रेंड बदल रहा है, पढ़ने वाले लोग बदल रहे हैं, जो हम बात करते हैं कि मीडिया में इतने, आप अगर मीडिया के संस्थान देखें तो इतने संस्थान बढ़े हैं, तो इसके पीछे एक वजह है कि रीडर्स बहुत बढ़ गए हैं, जो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है कि चल क्या रहा है आसपास, तो लोग खबर पढ़ते हैं, एक एक जगह पढ़ते हैं, फिर उस खबर को वेरीफाई करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। और सोशल मीडिया आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स जिनका मीडिया से कोई वास्ता नहीं था, अलग अलग फील्ड में, उनको देखता हूँ मैं कि खबरों पे उनकी प्रतिक्रिया आती है, वो लिंक शेयर करते हैं अलग अलग खबरों का, वो वेरीफाई करते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। तो एक बहुत एक बड़ा रीडर जो है, एक बड़ा ऑडियंस जो है, वो तैयार हो गया है। तो जितने जो मीडिया के जितने संस्थान बढ़ रहे हैं, उस तरह से कंज्यूमर्स कहेंगे एक तरह से, वो भी बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैं उस बात पे, बहुत लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि मैं कोई निगेटिव बात क्यों नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, कि भाई जैसे कि आप किसी सीनियर जर्नलिस्ट से कभी पूछ के देखिएगा, या आपने पूछा हो कि क्या करें मीडिया में आए या नहीं आए, मीडिया में कैसा करियर है, तो वो शायद उनको शुरुआत में हंसी आएगी, फिर अगर आपके शुभचिंतक की तरह आपको समझाएंगे कि देखो बहुत चैलेंजेस हैं, आप सुकून की भरी ज़िंदगी नहीं रहेगी आपकी, और वो मना करेंगे। जैसे आपको मैं अभी दो तीन दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने, और जो कि बहुत बहुत सही और बहुत तार्किक बात भी वो शायद कर रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये ऑब्जर्व किया है कि अगर हम मीडिया में घुसने से पहले कुछ होमवर्क कर लें, और हम खुद से पूछ लें कि भाई मैं हूँ कि नहीं इस फील्ड के लिए, क्योंकि अलग सा फील्ड है, इसमें आप जो है वो जो 9 से 5 वाली नौकरी है वो ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, और शायद शुरुआत भी नहीं कर सकते उससे, क्योंकि हम सब, और फिर ये कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो अगर आप उसके लिए बने नहीं हैं एक तरह से, तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो थक जाएंगे, दुखी रहेंगे, फिर आप भी आगे चल के आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो पहले क्यों ना हम देख लें कि भाई कौन से ऐसे अंदर जो गुण हैं, या जो आपके अंदर जो कहेंगे कि एक तरह से आपकी जो क्या प्रवृत्ति है कि आप इस मीडिया में आने के बाद सर्वाइव भी करें, खुश भी रहें। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा कभी, ग्रेजुएशन तक मैंने कभी फर्स्ट डिवीज़न से पास मैं नहीं किया, और एक बार थर्ड डिवीज़न से भी पास किया मैंने,
तो इसके बावजूद मैं दुखी नहीं रहा कभी मीडिया में, और मुझे लगता है कि मैं दूसरे फील्ड में अगर जाता कहीं, और मैंने ट्राई भी किया है, मैं अकाउंटेंट रहा हूँ शुरुआती दौर में, बहुत पहले जब मैं 20 साल की उम्र लगभग थी मेरी, तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं उससे बहुत उसमें बहुत ज़्यादा मैं फिट अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था, जबकि स्किल मेरे अंदर थी, मैं बहुत स्पीड से काम करता रहा हूँ बहुत समय से, उस वक्त भी मैं बहुत काम कर रहा था, मेरी तरक्की भी हो रही थी, मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है, वहाँ भी मैंने देखा कि बहुत शायद बहुत बेहतर करियर नहीं है, और भी बहुत सारे करियर के ऑप्शंस जो एक एवरेज स्टूडेंट जिसने कभी फर्स्ट डिवीजन से कभी पास नहीं किया हो। और जब मैं मीडिया में आया तो मेरे लिए ऐसा लगा कि शायद वो, क्योंकि मैंने ये होमवर्क नहीं किया था जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ये एक्सरसाइज मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं पता था वो। लकली मेरे अंदर वो कुछ एक दो जो वो प्रवृत्ति होती है वो आ गई, कुछ बाद में मैंने अपने आप में शामिल कर लिया उसको, तो शायद मैं अब तक चलता रहा हूँ और आगे भी मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि इसमें सर्वाइव कैसे किया जाए। मैं आपको आगे के सेगमेंट में इसमें फ्यूचर में जो बदलाव होंगे जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि घुसने से पहले मतलब अपने में ऐसा क्या देखें कि आपको लगे कि मीडिया में आ जाए। मैं स्किल की बात बाद में करूँगा, क्योंकि स्किल जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, उसके अंदर होती है, उसको आप अपने से खुद से सवाल करेंगे तो आपको प्रवृत्ति दिखेगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं और खिड़की से आप लगातार देखे जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई फसल कटी हुई दिख गई, तो क्या आपके मन में सवाल आता है कि यार किस चीज़ की फसल है, जो मतलब कौन से किसान उगाते हैं, अच्छा इस साल अच्छी फसल हुई कि नहीं हुई? या फिर आप किसी बड़े मॉल में जाते हो, वहाँ कोई आपने मशीन देख ली, तो क्या आपके मन में उसके बैकग्राउंड में ऐसा आता है कि ये मशीन क्या काम करती है, क्या ये जूते पॉलिश करने का काम करती है, थेप जो पकड़ने वाली मशीनें होती वो कैसे काम करती है, अपने शहर में कहाँ कहाँ लगी हुई है? एक बैकग्राउंड, मैं बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके साथ कई सारे वैसे पेश आ सकते हैं जो आप जब देखेंगे। तो क्या ये प्रोसेस जो बैकग्राउंड में देखने का प्रोसेस है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या किसी की नज़र गई कि पीछे वॉशिंग मशीन है, क्या फ्रेम लगा हुआ है, क्या उन्होंने ट्राईपॉड पे माउंट किया कैमरा, जो बैकग्राउंड का प्रोसेस है। आप कभी सीरियल देखते हैं तो क्या आप उसको उसमें आप ये देख पाते हैं कि जो उसके पीछे क्या चल रहा है, क्या रीटेक लिया गया होगा, इस सीन में क्या कुछ फंबल हुआ है, कैमरा कहाँ कहाँ माउंट किया गया होगा, कोई भी प्रोसेस, आपका इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट, आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बैकग्राउंड में जाना एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, कि बहुत बच्चों की तरह दिमाग में सवाल आना और उसके जवाब ढूंढते रहना हमेशा, आपकी नज़र जो है जैसे जैसे आप कभी मैंने देखा है कि मैं बचपन से कोई सीरियल कोई फिल्म एंजॉय करने से ज़्यादा मुझे उससे संबंधित सवाल बहुत आते थे, और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी कि ये जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है मीडिया में किस तरह से बहुत काम आ सकती है आपके। जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ रिपोर्टिंग करने तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती रहती है, मेरे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं सवाल ही सवाल करता रहता हूँ, कई बार लोगों को खींच भी हो जाती है, लेकिन ये एक तरह का एक प्रवृत्ति जो है आपको, ये बहुत बेसिक है कि बहुत सारे सवाल, और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हमारे साथी हैं जो सीनियर हैं उनमें मैंने ये देखा है, किसी ने ये प्रैक्टिस कभी की नहीं कि भाई घुसने से पहले अपने अंदर वो चीज़ देखें कि भाई हम कितने जिज्ञासु हैं, लेकिन वो बचपन से दिखता है। इसके बाद मुझे लगता है कि एक 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 और चीज़ है जो बचपन से हम उसको देखने लगते हैं, जो स्टोरी टेलिंग वाली जो अपनी एक आदत होती है, जैसे कि आप कहीं मतलब जो गांव के लोग होंगे इसको समझ पाएंगे कि कहीं पंगत में गए तो आप वहां से आए, तो क्या आप उस सीन को कि खाने में क्या था, कितने लोग थे, अब जब मम्मी को बताते हैं तो कितना डिटेल में आप बताते हैं, वो वहीं से शुरू हो जाता है वो, कि आप जो है जब किसी चीज़ को देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी कितनी बातें आपको याद रहती है और आप जो है उसको कितना प्रेषित कर पाते हैं, कितना बता पाते हैं। क्योंकि जो मीडिया का जो मैंने जो फंडा देखा है, मैं आपको बताऊंगा कि पत्रकार क्या करता है, पत्रकारिता क्या होती है, उस पर भी आप आगे आएंगे, तो उसमें मैंने देखा है कि वो स्टोरी टेलर होता है, वो ऑब्जर्व करता है और वो बताता है। इसके बाद एक जब हम फील्ड में घुस जाते हैं तो ये दो तीन चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। एक जुझारूपना जो होता है कि जैसे कि मुझे किसी का कोट चाहिए, किसी का कमेंट चाहिए, और सामने वाला, क्योंकि सामने वाले के खिलाफ वो स्टोरी है, लेकिन मुझे जिनके खिलाफ स्टोरी होती है उनसे भी बात करना, ये मीडिया का एक नियम है कि आप सारे पक्षों से बात करें, तो उनसे आपको बात करनी है और वो आपसे बात चाहे या नहीं करेंगे तो आप उनको बहुत सारा समय देंगे, आपके अंदर बहुत सारा
एक तरह से एक जुझारूपना होगा कि आप लगे रहेंगे, आप अलग अलग चैनल से ट्राई करेंगे, आप उनके बंगले पे फ़ोन करेंगे, उनके ऑफिस में फ़ोन करेंगे, आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, आप थकेंगे नहीं। अब इसमें एक धैर्य वाला फैक्टर जुड़ जाता है। हमारे जो गुरु हैं पुष्पेंद्रपाल सिंह सर, वो कई बार धैर्य को भी बहुत, मतलब वो जो एक बात बताते हैं कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊँगा कि वो कैसे काम आता है और वो कैसे काम आया है लोगों के। तो जुझारू पन्ने की बात कर ली, अब हम धैर्य की बात करते हैं कि उसमें यही कि आप कब तक बहुत कूल होके आप अपने आप को स्टोरी पे फोकस करते हैं, आप स्टोरी को पूरा करते हैं, उसके लिए आप बहुत वेट करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, है ना। इसके बाद जब आप करियर में आते हैं, उसमें अब धैर्य का मैं बता रहा हूँ कि कई बार देखा है मैंने कि लोग 2 या 3 साल तक लगता है कि उनकी लाइफ जो है वो रुक गई है मीडिया में, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो तब तक वो अपने स्किल डेवलप कर रहे होते हैं, और अचानक से मैं देखता हूँ कि उन्होंने कोई माइलस्टोन पार कर लिया है जो दिख के सुकून होता है कि देखो इन्होंने 3 साल रुके रहे, कहीं जॉब भी नहीं की इन्होंने, या फिर बहुत छोटे मोटे जॉब्स करते रहे, और अब देखो इनको एक मीडिया का बड़ा ब्रांड मिल गया है और वो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर वो जाहिर है कि आगे भी अपने आप को मीडिया के बदलावों के साथ बदलेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं। तो धैर्य के साथ आप टूटेंगे नहीं, आप जो है आपको पता होगा कि कितना रुकना है, कब तक रुकना है, कब तक धैर्य रखना है, ये एक गुण है, ये एक रहना चाहिए। इसके बाद जो एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस फील्ड में आने से पहले आप लगातार उस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि अब आपको पता है कि चैलेंजेस क्या हैं। आप कई प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे होंगे जहाँ पे आपको मीडिया के बीच की खबर मिलती है, और आपको उन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है और भी समाचार फोर मीडिया और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, उस पर आपको मीडिया के बीच की खबरें मिलेंगी। तो आपके दिमाग में एक जो बदलता हुआ स्वरूप है उसकी एक उसका एक बड़ा व्यू आपके दिमाग में उसका होगा। तो अब हमने ये प्रवृत्तियों की बात की, कई सारी और प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग इतने इमोशनल होते हैं कि उनको जब कोई तकलीफ दुख दिखता है तो वह उसमें शामिल हो जाते हैं, और उनका जो एक मूल काम है कि उनका जो काम है वो लिखना है, वो लिखना है या वो कम्युनिकेट करना है किसी भी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, लिख के, फोटोग्राफी करके, लेकिन वो उस प्रोसेस में कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो शायद वो जो मूल काम है उनका वो उससे भटक जाते हैं कई बार। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम कितने इमोशनल हैं, हम कितने संवेदनशील हैं। संवेदनशील होना तो बहुत ज़रूरी है मीडिया के लिए, आप लोगों का दुख देख पाते हो, आप समझ पाते हो। दूसरी बात, जो एक जजमेंट वाली जो पावर होती है जो बाद में डेवलप होती है धीरे धीरे, लेकिन वो भी एक होना गुना आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आप क्या बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं कोई लिखी हुई बात पे, कोई 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 फोटो देख के आपको क्या बहुत जल्दी यकीन हो जाता है कि आपके मन में सवाल नहीं आता कि इस फोटो क्या सही है। कोई बहुत आप बहुत चौंकाने वाली बात देखते हैं तो क्या आपके मन में सवाल आता है कि ये इसको वेरीफाई करें, क्या ये सच है, क्योंकि ये तो इतना चौंकाने वाला है, क्या बिलीव नहीं हो रहा। तो वो एक सवाल का जो प्रोसेस है वो होना जरूरी है, क्योंकि जिस फेक न्यूज़ के ज़माने में हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि आपके मन में सवाल बहुत सारे पैदा होने चाहिए, और ये आगे भी ये चीज़ अपने अंदर आ सकती है। अब मैं स्किल की बात करता हूँ। स्किल ऐसी चीज़ है जो जाहिर मैंने पहले भी कहा कि वो सीखी जा सकती है। तो जैसे अब आप लोग ग्रेजुएशन में हों और आपके मन में अगर प्लानिंग हो इतने सारे चैलेंजेस देखने के बाद कि आप एंट्री लें, आपके अंदर क्योंकि वो क्षमता है, वो जुझारूपन है, और आप इसमें आपको लगता है कि आप समय के साथ खुद को बदलते हैं, आपको ये लगता है कि आप जो है 9 से 5 वाली नौकरी में फिट नहीं है, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन ये फिर त्वरित ख्याल नहीं रहना चाहिए। बहुत लंबे वक्त में ये ख्याल बनता है कि लोग कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते 9 से 5 वाली नौकरी, बहुत एक तरह का रूटीन बहुत नहीं फॉलो कर पाते, तो उनके लिए मीडिया फील्ड में वो आएंगे तो उनका एक प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय है, आप बहुत सारे करियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसमें जब आप मीडिया में आने की तैयारी करते हैं या सोचते हैं तो आपको तभी से वो प्रोसेस शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े मीडिया संस्थान हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप मास्टर डिग्री में जाएंगे, आपके सामने जो कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि एंट्रेंस से बड़े मीडिया संस्थानों में एंट्री मिलती है, तो आपके सामने जो कॉम्पिटिशन रहेगा, हो सकता है पहले से ग्रेजुएशन करके आया हो मीडिया में व्यक्ति और वो आगे का कोर्स कर रहा हो,
तो वो आपसे 3 साल ज़्यादा उसने मीडिया की ट्रेनिंग ली होगी, उसने बहुत सारे काम सीखे होंगे, स्किल के मामले में वो डेडिकेटेड होके उसके पास कोई स्किल होगी। तो जो एक पोर्टफोलियो वाली बात होती है कि हम अपना किस तरह से पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करें, हम अगर किसी फील्ड में आना चाहते हैं तो हम क्या उसके लिए, जैसे जो कोर्स है उसके लिए क्या हम रॉ मटेरियल, बहुत परफेक्ट रॉ मटेरियल हैं? क्योंकि जो बड़े मीडिया संस्थान हैं वह जो उनका प्रोसेस होता है लेने का वो बहुत टफ होता है। पहले वो आपसे एंट्रेंस लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो यही सवाल जो मैं आपसे कह रहा था कि जो प्रवृत्ति है, जो बड़े जो सीनियर काफ़ी इंटरव्यूअर होते हैं वो यही सब देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों आना चाह रहा है मीडिया में, इसके मन में क्या चल रहा है। और जो एक तरफ वो मीडिया को भी देखते रहते हैं, उसके बदलते स्वरूप को देखते रहते हैं, तो वह उस प्रोसेस से आपको लेते हैं, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो दूसरे करियर के लिए आप पढ़ाई करते हैं उसमें एंट्रेंस निकालने की तैयारी होती है, जैसे IAS की तैयारी करते हैं उसमें बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारे तरह की पढ़ाई करते हैं आप लोग, काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। मीडिया में वो जानकारियाँ बहुत काम आती हैं, लेकिन साथ साथ आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन का फील्ड है, क्योंकि आपके अंदर जो है उसको आप कैसे बेहतर तरीके से आप लोगों को बता पाएं, वो ये पूरा खेल इसका यही है। कि जैसे कोई बहुत बहुत साइंटिफिक बात है, कोई बहुत जिसमें बहुत टर्मिनोलॉजी उसकी साइंस की है, मान लीजिए कोई कोई मौसम की जानकारी है, जिससे आपने देखा कि आपने जानकारी जहाँ से पढ़ी, जो सोर्स था आपका, वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, वो तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे जो शायद आम जनता को समझना है। तो आप जो है अपनी तैयारी में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना है, बोल के, लिख के, जिस तरह, जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, आपको अब जो संवाद है उस प्रोसेस को मजबूत करना है। तो उसके लिए जो स्किल्स हैं, जो जो बेसिक है, जिसमें आप कहेंगे कि आप जब लिखते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हिंदी में, इंग्लिश में, आजकल जो कॉन्वेंट से पढ़ के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, वो कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा होता है। पर मैंने एक एक बात ऑब्जर्व की है, तो उसमें यह है कि जो जो हम लिख के जो अपनी बात कहते हैं, या फिर हम किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे हम जब कोई बात कहने जाते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि जो बात पहले कहनी चाहिए वो बाद में आ रही है, जो बात एक शैली होती है, एक अपना एक फॉर्मेट होता है। कई जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हैं या हिंदी में काफ़ी अच्छे हैं, वो इस फेर में फंस जाते हैं कि आप बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर दीजिए। तो हमें पूरा फोकस ये रखना है कि हमें जो जो बोल चाल वाली भाषा है, हमें ये देखना है कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं। अगर आप किसी किसी बहुत इंग्लिश के प्रोफेसर से संवाद कर रहे हैं तो आप ज़रूर वो भाषा इस्तेमाल करिए, लेकिन आप जब कभी अपने से जूनियर से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप कोई संवाद कर रहे हैं या कोई उस तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप जो है भाषा को उस तरह से, वो एक कला है, वो उस तरह से आप उसको डिज़ाइन करिए, आप लिखते समय वैसे शब्द उसमें डालिए ताकि वो सीधे उन तक पहुँचे। पोर्टफोलियो में अब जो समय है, पहले तो हमें अखबार अखबार के दफ्तर जाके कैसे भी करके हम चाहते थे कि कोई आर्टिकल छप जाए हमारा, जिससे हमारा पोर्टफोलियो बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन अब जो ये वेब आया है इसने हम बहुत चीज़ें बदल दी हैं। अब हमारे पास जैसे हम जिस भी फॉर्मेट में इंटरेस्टेड हैं, जिस भी फॉर्मेट में कंफर्टेबल हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, तो हम इसमें एक ब्लॉग बना सकते हैं उस पर काफ़ी, लेकिन बहुत सीरियस होकर उस पर अपनी बातें लिख सकते हैं। उस बात को लिखते लिखते आपके अंदर एक ऐसी क्षमता बन जाएगी कम्युनिकेट करने वाली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद मुझे इस बात को बताने से पहले बतानी चाहिए थी, जो पढ़ने की बात है। अब जैसे मीडिया के स्वरूपों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, तो जो एक हाइपर लोकल और जो स्थानीय स्वरूप है वो आपने देखा होगा कि कैसे वो हर जगह हाईलाइट हो रहा है, प्रिंट में भी, वेब में भी, हर शहर शहर का जो चैनल और जो वेब चैनल और जो वेब पोर्टल्स आ गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो जिनसे संवाद करना चाहते हैं, जिस 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 जिसको जिस प्लेटफॉर्म में जानना चाहते हैं, जिसमें उसमें किस तरह से लिखा जा रहा है। जैसे ये गलती कई लोगों के साथ होती है शुरुआत में कि हम नेशनल डेस्क की खबरें पढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें होती हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त वही समझ ज़्यादा आती है। हम जो है वर्ल्ड की खबरें देखते हैं, हम पॉलिटिक्स की खबरें देखते हैं, पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि आपके शहर में जो क्राइम की खबरें लिखी जा रही है,
जो आपके शहर में कल्चर की खबरें लिखी जा रही है, जो आपके शहर की खबर है, बिल्कुल लोकल खबर है, क्योंकि आप जब फील्ड में एंट्री लेंगे तो आपको शायद पहला असाइनमेंट जो है वो कोई लोकल खबर मिलने का मिले। और मैं अब पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब तक कोई नेशनल डेस्क की कभी मैंने खबर नहीं लिखी, मैंने वर्ल्ड डेस्क की कभी खबर नहीं लिखी, मैंने कोई विश्व की कोई खबर नहीं लिखी, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत। शुरुआत में मैंने बहुत सारे वही सब पढ़ा मैंने, और मैंने बहुत इग्नोर किया जो लोकल कैसे खबर लिखा जा रहा है। तो जब मैं एंट्री हुई मेरी, तो मुझे जाके ये एक्सरसाइज करना पड़ा। तो ये पहले से आप कर लें, ताकि आप जो ब्लॉग पे जो लिखेंगे वो इम्पैक्टफुल होगा। वो जो है अलग अलग विषय आप उठाएंगे, आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो इन 3 सालों में जो तैयारी है, इसके बाद जैसे जो हम दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम फोकस ये करते हैं कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्फॉर्मेशन किताबों से लेके खुद उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। पत्रकारिता में वो सब तो है ही, साथ में आपको मुझे जो महसूस हुआ कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके शहर में, किसी भी फील्ड से हो, क्योंकि आपको एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ जो इंटरेस्ट की बात है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। पत्रकारिता के बहुत सारे विंग हैं, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो आपको अपने इंटरेस्ट को भी पहचानने के लिए जो शहर में एक्टिविटीज़ हो रही है, कहीं पे कोई आर्ट का वर्कशॉप हो रहा है जहाँ पे ओपन टू ऑल है, आपको इनविटेशन मिला है, कहीं पे कोई संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पे कोई लेक्चर हो रहा है जहाँ आप जा सकते हैं, एक्सेस है आपको, तो वो सब अटेंड करना शुरू कर दीजिए। और उससे कोशिश ये करिए कि आपने जो वहाँ देखा उसको आप कैसे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्या आपको मज़ा आ रहा है उस प्रोसेस में जो लोग पढ़ रहे हैं। कुछ सवाल आ रहे हैं बीच बीच में, मैं सवाल के लिए पीछे का जो सेगमेंट है उसमें कुछ समय दूंगा। जो सवाल पीछे रह गए हैं आप दोबारा उस वक्त पोस्ट कर दीजिएगा, मैं देख पा रहा था कुछ सवाल आ रहे हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जो मैं अभी तक बात कर रहा था वो एंट्री से पहले तक की बात थी कि आप अपने अंदर किस तरह का स्किल डेवलप करें। अब बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता के जो विंग्स हैं छोटे छोटे, जैसे मैं क्राइम रिपोर्टिंग की बात कर रहा था, जैसे कल्चर की बात कर रहा था, जैसे मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है इसका, इसके बाद जो फिल्म जर्नलिज्म है, इसके बाद साइंस जर्नलिज्म है जिसका बहुत बहुत फिर से एक बार जिसका चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है वेब मीडिया के आने के बाद। इसके बाद आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो है, जो क्लाइमेट चेंज की बातें हर जगह होती है, इसका एक अलग से एक सेगमेंट बना है और जिसमें बहुत बहुत क्या कहेंगे इसको कि जो समझते हैं इन चीज़ों को जो जर्नलिस्ट, क्योंकि वही बात जो मैं कह रहा था कि आपको जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको सरल करके अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको प्रस्तुत करना है। तो एनवायरनमेंट में, साइंस में आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी साइंस जर्नल के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसमें कठिन शब्द भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो रीडर है वो उस तरह की सोच रखता है, उस तरह के शब्दों से परिचित है। लेकिन अगर आप उसको आसान भाषा में समझाना चाहते हैं, आपका एक बहुत पॉपुलर सा वेब पोर्टल है जिनके लिए आप काम करते हैं, तो आपको फिर कुछ आसान शब्द, ताकि आप उस शब्द का मतलब भी ना बदलें लेकिन आप जस्टिफाई कर पाएँ कि वही बात कही जा रही है, वो आपको सीखना होगा। इसके बाद ये जब आपका इंटरेस्ट दिखना शुरू हो जाता है, इसमें मैं जो इसका जजमेंट है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखेंगे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं पॉलिटिक्स से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, पॉलिटिक्स में वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स, मैंने देखा है, मैं भी जब मैं एंट्री ले रहा था तो मुझे लगता था कि मैं तो पॉलिटिक्स कवर करूंगा, और अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो कवर करना। तो इसके अलावा स्पोर्ट्स में देखते हैं, क्योंकि जब हम युवा होते हैं तो हमारे कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिसे हम देखना तो पसंद करते हैं, उसे एंजॉय करना पसंद करते हैं, पर क्या हम उसे लिखने में भी हमें बहुत उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन है। तो हम क्या वो आप बार बार देखिए, क्योंकि आपको क्रिकेट देखने में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जो जर्नलिस्ट होते हैं जब वो क्रिकेट देखते हैं तो उनके बैकग्राउंड में आंकड़े आते रहते हैं बहुत सारे, उनके बैकग्राउंड में उनके दिमाग में जो सोच चल रही होती है वो उसमें जैसे किसी ने कोई अच्छा शॉट लगाया तो उसके पीछे उनका आता है कि क्या हिस्ट्री में किसी ने इस तरह का कोई शॉट लगाया था क्या, बहुत सारे सवाल, बहुत वो जिज्ञासा की जो बात कर रहा था मैं, वो प्रोसेस चलता रहता है। और जब खबर लिखते हो तो उनके अनुभवों से आपको कुछ बिल्कुल नया कुछ दिखने को मिल जाता है, जबकि जो जिनका इंटरेस्ट देखने में रहता है वो देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, और जब अगले दिन वो खबर पढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो वो देख लें एक बार कि आपको वो पढ़ना पसंद है या आपको उस फील्ड में लिखना पसंद है।
दूसरी बात, मैं जब एंट्री की बात कर रहा था कि जब आप एंटर हो जाएंगे, तो कई बार मैंने अभी जो मैं बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को जानता हूँ जिनकी एंट्री स्पोर्ट्स पेज पे हुई थी और वो पॉलिटिकल रिपोर्टर होके निकले, रिटायर हुए और एडिटर तक पहुँचे, उन्होंने 2-3 साल में ही उनका फील्ड चेंज हो गया। तो कई बार फील्ड डिसाइड करता है, कई बार आपका जो है आपका प्लेटफॉर्म जिस जिस मीडियम में आप काम कर रहे हैं कई बार वही डिसाइड कर देता है कि आपका क्या फोर्ट है, आपके अंदर से क्या बेस्ट निकल सकता है। जैसे कि मेरे साथ एग्जांपल के लिए कि मैं गांव में पला बढ़ा हूँ, तो अब मैंने जब मैं जब गांव में गया और जब मैं गांव की पत्रकारिता करता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा है। जबकि मैंने ग्लैमर भी देखा है, मैंने क्राइम भी देखा है, मैंने पॉलिटिक्स बहुत कम खबरें पॉलिटिक्स की लिखी है, खेल की बहुत कम खबरें लिखी हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में मैंने काफ़ी खबरें लिखी है, कल्चर में बहुत लंबे वक्त तक मैं रहा, हेल्थ सेक्टर मैंने देखा। तो लेकिन अब जो बाकी सारे जो आपके पुराने अनुभव हैं और आपका जो एक इंटरेस्ट है वो अब मुझे अब जाके पता चला कि मैं क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, गाँव से हूँ, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ उनके साथ। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें आप खोजिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि एक बात हमारे सीनियर्स कहते रहे हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन कहते थे पहले, अब मास्टर ऑफ वन कहने लगे हैं कि किसी एक फील्ड को पकड़ के आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज बनानी पड़ेगी ताकि आप बेहतर संवाद कर पाएँ। तो मेरे ख्याल से अब मैंने अब तक जो है इस फील्ड के बारे में बताने की कोशिश की जो जितना मैं समझ पाया हूँ उस फील्ड को। इसके बाद मैंने ये बताने की कोशिश की कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें आना चाहिए, क्योंकि आने के बाद फील्ड में आने के बाद आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आप लंबे समय तक चलें, इसके लिए आपके अंदर वो कौन से छोटे छोटे जो गुण हैं जैसे जुझारूपन, जिज्ञासा, उसकी बात की मैंने। फिर मैंने की कि जब आपने सोच लिया कि तो बिल्कुल जाना ही जाना है इस फील्ड में, तो आप कैसे स्किल डेवलप करें, इसका कोई फॉर्मूला, जैसे मैं जो बता रहा हूँ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हर किसी को अपने तरीके से वो मिलता है। जैसे मैं आपको याद होगा अभी बात कर रहा था कि एक सीनियर की बात कर रहा था मैं कि जिन्होंने खूब पढ़ाई की और अचानक से वो अब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में उनको देख के लग रहा था कि उनका करियर रुक सा गया है। वो लाइब्रेरी में बहुत सारा समय बिताते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और उनके पास जानकारियों का एक खजाना हो गया। जो सक्सेस है जो करियर में वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग हैं जो फील्ड में जाके वो अनुभव लेते हैं, जैसे मेरे साथ ये हुआ है कि मैं फील्ड में जाके मैं लोगों से बात करके मैं रोज़ सीखते सीखते मैं सीखता रहा हूँ और अभी भी आगे भी सीखता रहा हूँ और सीखता रहूँगा। तो आप ये भी देखें कि आपके लिए क्या रास्ता बेहतर है, आपको किस चीज़ में आनंद आ रहा है। अब बात करते हैं कि हम एंट्री कैसे लें। तो मैंने बहुत इस बात पे बहुत जोर दिया था कि आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है। बहुत पहले एक चर्चा चलती थी कि पत्रकारिता तो नैसर्गिक गुण है और आप तो बचपन से आपके अंदर गुण है, जिसकी बात भी मैं कर रहा था कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति और धैर्य और जो झाड़ूपना। लेकिन क्या अब के समय में जबकि बहुत कुछ प्रोफेशनल हो गया है, न्यूज़ रूम्स काफ़ी प्रोफेशनल हो गए हैं, अब के समय में क्या डिग्री या जो अभी सवाल मेरे यहाँ फ्लैश भी हो रहा है तो मैं इसी पे बात ही करने वाला था कि डिग्री की आवश्यकता होती है क्या। मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से, डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग पत्रकारिता की किसी मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी अच्छे संस्थान से आवश्यकता है इसकी मेरे ख्याल से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको समय मिलता है पत्रकारिता को समझने का, आप इंस्टीट्यूट में रहते हुए आपको जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हम बहुत किताबी बातें कर लेंगे तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि आपको आपको जूझना है करियर में आके, आपको स्ट्रगल करना है। तो मैं ये बात भी बता दूं कि हमारे जो संबंध बनते हैं किसी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में जाके, वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ जो नेटवर्किंग बनती है वो हमारे फील्ड में बहुत काम आता है। अब जैसे मुझे खेती पे कुछ लिखना होगा और मैंने खेती पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, तो मेरे कई सीनियर्स जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने खेती पे बहुत काम किया है और वो मेरे सीनियर हैं और उनसे मैं कई बार मिला हूँ, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई लोग जुड़े होते हैं, बहुत सहृदयता हो जाती है, बहुत अपनापन हो जाता है। तो उनको मैं कभी भी दिन में रात में कभी भी फ़ोन लगा के उनका बहुत सारा समय ले सकता हूँ मैं अधिकार के साथ, और मैं उनसे गाइडेंस ले सकता हूँ कि इस विषय पे
मुझे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो ये एक नेटवर्किंग वाली बात जो कि लोग बहुत बहुत मतलब कहने से कतराते हैं शायद, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है ये कहना, लेकिन नेटवर्किंग आपके जीवन में बहुत काम आता है। आप जो है आपका एक सीनियर्स के साथ जूनियर के साथ जो एक चेन बनी होती है वो बहुत काम आता है, और वो उसकी शुरुआत जो है यूनिवर्सिटीज से होती है। उससे पहले भी आपके जो पत्रकारों के साथ संबंध होते हैं, जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, जिनसे आप पत्रकारिता में आने से पहले, वो बाद में जाके काम आते हैं, आप फिर बाद में जाके किसी के काम आते हो। तो इस तरह का ये चेन चलता है, क्योंकि ये फील्ड बहुत चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा गया कि रिकमेंडेशंस बहुत चलती हैं, और बहुत उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न भी है कि जैसे कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जो ये जो देख सके कि ये जर्नलिस्ट कैसा है। अगर आपके सामने बहुत एकेडमिक सा एक जब आपकी एंट्री हो रही होगी फील्ड में, जब आप किसी अखबार में इंटरव्यू देने जाएंगे, तो बहुत आपके सामने एक क्वेश्चन एयर डाल दिया जाएगा, आपको उसमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो आप वो पास कर जाएंगे हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ क्षमताएं, जैसे जुझारूपन की बात कर रहा था, जैसे इमोशंस की बात कर रहा था मैं, अगर वो कमी है तो आप बहुत फंक्शन नहीं कर पाएंगे उसमें, बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो अखबार के लिए बड़ा या संस्थानों के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे एक ऐसे लोग लेके आए जिस पर भरोसा कर सके कि ये बढ़िया काम करता है, ये परखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपके संबंध ऐसे काम आते हैं, संबंध मतलब कि कोई चापलूसी वाला संबंध नहीं, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, कि आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया किसी सीनियर जर्नलिस्ट को तो आपको लगा कि आप उनकी नज़र में आ गए, तो आपको फ्यूचर में जाके हो सकता है कि इसमें कोई मदद मिले। आप अपने काम से उन तक पहुँच बना सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब के ज़माने में, तो कि आप काम करते जाइए, क्योंकि आपका काम दिखने लगेगा। जैसे आप जर्नलिज्म में एंटर होते हैं, आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं, तो साथ साथ आपकी एक प्रेजेंस बनती जाएगी, तो आपको आप पे लोग भरोसा जता पाएंगे। और जो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है एंट्री का जर्नलिज्म में, उसके अलावा भी एक दूसरा प्रोसेस होता है जो जिसमें आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स, कि भाई ये कैसा काम कर रहा है। तो उसमें मैं उसमें नेटवर्किंग शब्द कह रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा शब्द भी इसके लिए हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए डिग्री लेना, डिप्लोमा लेना एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है स्किल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ये कहेंगे कि आपके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। नैसर्गिक प्रतिभा जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जिज्ञासा वगैरह, लेकिन उसके बाद आपके अंदर जो स्किल है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और जो मीडिया के जो कोर्स जो नए तरह से डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जिसमें अब मीडिया के कोर्सेज में प्रिंट के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कोर्सेज हैं, अब वेब के लिए बहुत सारे कोर्सेज की एंट्री हो गई है। जैसे वेब जर्नलिज्म करना है तो खबर लिखने तक बात सीमित नहीं रहती, उसको उसमें SEO का बड़ा रोल होता है कि आपकी खबरें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, कैसे आपकी खबर ट्रेंड में आ पाए, आज का वो ट्रेंड क्या है जिसे आप पहचानेंगे, उस वो क्या टेक्नोलॉजीज है जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि आज क्या चल रहा है देश दुनिया में, और आपका जो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप काम करते हैं उसके लिहाज से कौन सी खबरें सूटेबल होंगी। ये सब टूल्स समझने के लिए, और जो लेखन की जो मैं बता रहा था कि जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत, उसके कुछ थ्योरीज हैं जो कि वर्ल्ड वॉर के समय से चले आ रहे हैं, उस सबको समझने के लिए वो बहुत काम की थ्योरीज हैं। उसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे दुनिया कैसे बदली, कैसे कम्युनिकेशन ने कैसे दुनिया को बदलने में रोल प्ले किया, कैसे पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है। तो ये सब समझने के लिए वो आपका जो सिलेबस है वो बहुत काम आता है। और साथ में आप जब कोर्स कर रहे होते हैं तो आपका बाहरी दुनिया से, जैसे आप कोर्स जिस शहर में रहते हैं जहाँ आप कोर्स कर रहे होते हैं, वहाँ की दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ जर्नलिज्म से संबंधित होती हैं, कुछ आपका जो कॉलेज है वो करवाता है उससे संबंधित होती हैं, तो वो सब आप करते हैं। तो एक जो है एक पॉजिटिव माहौल में आप 2 साल, जैसे PG का कोर्स कर रहे हैं तो 2 साल, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल आप जो बिताते हैं, आप जब वही बातें करते हैं तो आप एक कंडीशन होते जाते हैं, आप फील्ड के लिए तैयार होते जाते हैं। और जब आपकी एंट्री होती है तो आपके लिए बहुत नया नहीं होता न्यूज़ रूम, आपने बहुत सारी चीज़ सीखी होती है पहले से। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसे चुने। इस मामले में जैसे मेरी सोच जो थी जब मैं एंट्री ले रहा था, तो मैं अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए मैंने सलाह ली लोगों के से उस वक्त, तो मुझे ये समझ आया कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, अगर आपने उनका टफ़ इंट्रेंस होता है
25 सीटें होती हैं कई जगह पे, कई जगह पे 30 होती हैं देश भर में। तो उसका एक प्रोसेस होता है बहुत टफ, उसका उसको आपको निकालना होता है। तो वो जरूर निकालने की उसकी तैयारी भी आपकी रहनी चाहिए ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो काफ़ी कंपेरेटिवली सस्ते होते हैं, फ़ी उनकी कम होती है प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरी ये सोच रहती है, मैं जब सलाह देता हूँ अपने जूनियर्स को तो मैं कहता हूँ कि कोशिश ये करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिसमें IMC जो डिप्लोमा कराता है, अगर आपको डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं तो आप कोशिश करिए। IMC के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, हिंदी जर्नलिज्म के हैं, इंग्लिश के हैं, कई सारे कोर्सेज़ हैं उसमें 9 महीने के, तो आप उस तरफ कोशिश कर सकते हैं। आप नज़र बनाए रखिए जनवरी के बाद से ही, और आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। मैंने जो एडवर्टाइजमेंट देखा था, मैं माखनलाल से पढ़ा हूँ तो मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट देखा था, तो वो आप जो है उससे आप कनेक्टेड रहिए तो आपको खबरें मिलती रहेंगी कि कहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद दूसरी बात कि गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में एक बहुत एक दुष्प्रचार भी होता है कई बार कि अरे भाई यहाँ तो मतलब आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आपको बहुत सारी सलाहें भी मिलेंगी कि यहाँ तो पढ़ाई तो कुछ होता नहीं है और यहाँ तो बस ये ऐसे ही चलता है। तो देखिए जो आपका सिलेबस है उसके अलावा आपको बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कह चुका हूँ कि ये बहुत डिफरेंट फील्ड है और इसमें इतने चैलेंजेस हैं कि आदमी थक जाता है जो इसके लिए नहीं बना है। इसलिए मैं उस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था कि पहले तो स्क्रीनिंग प्रोसेस आपके अपने दिमाग में ही अपने अंदर ये बात चलनी चाहिए, महीनों तक चलनी चाहिए कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ, क्योंकि एक चैलेंजिंग फील्ड है और ये बहुत सुकून से आप अगर चाहेंगे कि मैं अपने अपने मैं एंट्री हो गई मेरी, अब ये 30 साल जो है मेरे बहुत सुकून से बीतेंगे, ऐसा नहीं है। हर दिन बदलने वाला फील्ड है और इसमें इसलिए तैयारी जो है वो बहुत अलग तरह की होनी चाहिए। सिलेबस के अलावा आप अपने आसपास से क्या सीखते हो, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आप अलग अलग फील्ड की जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना डेवलप हुआ है, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि आप का जो सक्सेस है इस फील्ड में वो किस तरह का रहेगा। आपने जैसे मैं बताऊं कि जब शुरुआत मेरी हुई थी तो कई बार ऐसा हुआ कि हम 14-14 घंटे काम करते रह गए। कई बार ऐसा हुआ कि शुरुआत में क्योंकि आदत नहीं थी तो खाना पीना स्किप होने लगा, जो प्रेशर होता है दिमाग में प्रिंट की बात, क्योंकि मैं प्रिंट में भी शुरुआती दौर में ही प्रिंट में आ गया था और रिपोर्टिंग में था मैं, तो जो मीटिंग के बाद क्या होता है कि अखबार पूरा बिल्कुल एक मीटिंग के वक्त एक बिल्कुल कोरा कागज़ होता है और उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि इसे शाम तक कैसे भरना है अच्छे कंटेंट के साथ, उसकी प्लानिंग होती है। तो जो नए लोग होते हैं, जैसे मैंने एंट्री ली थी तो मुझे जो दिखता था कि ये असंभव सा काम है, एक दिन में शाम तक मैं इस रिपोर्ट को क्या कंप्लीट कर पाऊंगा, तो एक तरह से चेहरा उतर जाता था, भूख नहीं लगती थी, बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती थी और वो मैं उसमें ही लग जाता था खबर में डेडिकेशन के साथ, क्योंकि वो करना है और वो मुझे पसंद भी आता है। तो उस तरह से मैं उस पर ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत मेहनत का फील्ड है, बहुत आपको रात में कई बार बहुत लेट हो जाता है काम करते करते, ठीक है। इसके बाद पुष्पेंद्रपाल सर हमारे जो गुरुजी हैं वो कुछ नीचे कुछ लिख रहे हैं, तो मैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस करूँगा कि आप क्या देख के आ रहे हैं, जो ग्लैमर की बात सर कर रहे हैं कि आप उम्मीद क्या रखते हैं पत्रकारिता से, ये मेरे सेगमेंट में शामिल था आगे की चर्चा में कि आपको इस फील्ड से क्या उम्मीद है, आप आना चाहते हैं, आपने सब देख लिया, आपने खुद की स्क्रीनिंग कर ली, आप बेहतर हैं, फिट हैं, आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स आप डेवलप करने वाले हैं कोर्स के दौरान, लेकिन आप किस उम्मीद से आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे युवाओं के साथ ये होता है कि पत्रकारिता जो बाहर से हमें दिखती है उसमें हम, क्योंकि उसका पूरा फॉर्मेट हम नहीं समझते कई बार, तो हमें बाहर से दिखती है कि ये शायद बहुत ग्लैमरस फील्ड है, बहुत इसमें बहुत नाम होता है, बहुत सारे नेताजी लोगों के साथ आपकी तस्वीर हो सकती है, आपको बहुत लोग जानते हैं, आपको बहुत मतलब बहुत जलवा होता होगा, आप फ़ोन लगाते होंगे किसी सीनियर IAS को और बहुत सारे काम ऐसे ही बन जाते होंगे, आपसे लोग जी हजूरी से बात करते होंगे।
तो क्या या फिर आपका चेहरा बहुत चमक जाएगा, आपका बहुत नाम हो जाएगा, आपको बहुत लोग जानने लगेंगे। तो क्या पत्रकारिता ये है, अगर अगर इस तरह अगर आप इसको ग्लैमर इसमें देखेंगे तो फिर आपको शायद शुरुआती दिनों में ही आपको निराशा झेलनी पड़ेगी। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और पत्रकार करता क्या है, पत्रकार होता क्या है, उसकी बात मैं अब करूँगा। लेकिन अभी ये बात मैंने अभी मुझे लगता है कंप्लीट कर ली कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए, प्राइवेट में आप देखें कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, कितने दिनों से हैं, और उनके सीनियर्स जो हैं वो कितने, मतलब क्योंकि आप देखेंगे कि कितने सालों से फंक्शन कर रहा है वो कॉलेज, तो जाहिर है उसके सीनियर्स काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए होंगे, और आपको एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी वहां से उनके साथ जमेगी, और एक ये फ़ायदा होगा। दूसरा, कई प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिनको मैं विजिट करता हूँ, कई बार देखता हूँ, तो उनका जो जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने स्टूडियोज बना रखे हैं, आपको घुसते ही माहौल, जैसे प्रिंट का जो सेक्शन होगा उसमें आपको प्रिंट के न्यूज़ रूम जैसा माहौल मिलेगा, रेडियो का माहौल मिलेगा, टीवी का माहौल मिलेगा। लेकिन उसका फी स्ट्रक्चर की बात होती है, तो आप ज़रूर देखें कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में, और क्या आप अगर आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल गए तो आप अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो आप टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो जर्नलिज्म में आपके काम आएंगे। आपको अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप एक बढ़िया कैमरा ले सकते हैं, आपको अगर ऑडियो फॉर्मेट आपको पसंद है आपको तो आप एक बढ़िया रिकॉर्डर ले सकते हैं, आप लैपटॉप ले सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, तो आप उस पैसों को इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके फील्ड में आगे काम आए। क्योंकि जो जर्नलिज्म का जो बदलता हुआ स्वरूप है वो सिर्फ नौकरी नहीं रह गया है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ, एक बहुत चौंकाने वाली बात आपको लगेगी कि मैं पिछले कई सालों से लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने इन सालों में अपना कुछ नहीं लिखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, फेसबुक स्टेटस को छोड़ दें तो। ये मैं बता रहा हूँ कि पत्रकार करता क्या है, जो ग्लैमर की बात मैं बता रहा था, आपको हो सकता है शायद आश्चर्य हो, लेकिन पत्रकार अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता, अपने 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 तरफ से कोई विचार जो है खबर में, जो खबर कहते हैं जैसे हम, जो उसमें क्या होता है कि हम पहले मैं कह चुका हूँ कि हम एक बीच के कम्युनिकेशन में हम एक ऐसी भूमिका निभाते हैं कि हम अपनी बात, दूसरों की बातें, जो एक्सपर्ट की बातें हैं, जो जो हमारे खबर के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी बातें हम अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं, हम बीच के सिर्फ माध्यम होते हैं। तो जैसे मैंने जो खबरें लिखी, मैंने हमेशा कि खबरों में जिस भी थीम पे वो खबर रही, अगर मेडिकल से संबंधित रही तो मैंने डॉक्टर्स के हवाले से लिखी, अगर कोई खुलासा हुआ, कोई घपला हुआ तो उससे जो जुड़े हुए करेक्टर्स हैं, कोई आरोप लगाना हुआ तो उनके हवाले से मैंने उनकी बात अपनी खबर में लिखी। इसके बाद जो बैलेंसिंग वाला फैक्टर होता है पत्रकारों का, कि जो हम जो लिखते हैं उसमें हम जज नहीं होते, तो हम एक दूसरा पक्ष भी हमेशा लेते हैं। तो आप ये हमेशा समझिए कि आपका जो रोल रहेगा उसमें आप अपनी तरफ से एक लाइन भी आप जो है ना उसमें नहीं घुसा सकते, अगर वो खबर आप लिख रहे हो तो इसमें आप ये देख लेंगे कि जो 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 टीवी का स्वरूप अभी बहुत बदला है, जिसमें आप देखते होंगे कि जो जो डिबेट के शोज होते हैं जिसमें एंकर्स हर दूसरे लाइन में जज करते हैं लोगों को, जो स्वरूप बदला है उसमें, लेकिन हम पत्रकारिता में करियर की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो जो खबर लिखने का जो जो मैं जो पैटर्न समझ पाई हूँ, और जो आगे, क्योंकि मैं जब मैं ये बात करूँगा कि कैसा बदल रहा है जर्नलिज्म, उसमें ये बात करूँगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप एक पत्रकार की तरह अपने आप को तैयार करें, और आपके अंदर कोई बायस ना हो, और आप जो है हमेशा एक्सपर्ट को कोट करें, हमेशा आंकड़े रिसर्च कहीं से आया, कोई आया तो आप उसको कोट करें, हमेशा आप खुद जो है उसमें आपका कोई ज़्यादा रोल इतना ही होता है कि आप जोड़ते हैं कड़ियों को और आप प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्लैमर कहीं नहीं है, आप ये बहुत बिल्कुल अलग तरह का फील्ड है जहाँ पे जो जो ग्लैमर की उम्मीद से आएंगे वो उनको शायद फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्लैमर है, वहाँ आपका चेहरा चमकाने के पीछे बहुत सारी फंडिंग होती है, आप वहाँ स्टार बनते हो। टीवी जर्नलिज्म में जो आप देखते हैं कि जो एंकर्स हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो बहुत रिसर्च करती है, प्रोग्राम्स बनाती है, तो उसमें अगर आपको ग्लैमर दिख रहा है तो उसकी तरफ अगर आप बहुत आकर्षित हैं तो उस तरह के स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं ताकि आप एंकरिंग में जाएं। लेकिन एक जो बड़ा हिस्सा है, मतलब जो एंकरिंग का और जो दिखता है आपको, उसके अलावा एक
जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो करियर की, उसके पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और एक बहुत प्रैक्टिकल बात है कि हम करियर किसके लिए बना रहे हैं। कई बार मैं, क्योंकि हमारे साथ भी होता है ऐसा कि हमारे रिश्तेदार पूछते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो प्रिंट में हैं, जो वेब में हैं, जो बहुत कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं, तो उनसे सवाल आता है कि भाई टीवी पे कब आओगे, तो क्या हम दूसरों के लिए करियर प्लान करते हैं अपना। जैसे कि मैं जब बहुत पहले बात कर रहा था कि आपके अंदर वो कौन से प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो उसमें आपके अंदर ये भी होना चाहिए कि आप अपने लिए करियर प्लान कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आप कौन सा आपको रास्ता अपनाना है, आपको दिखना चाहिए कि कहाँ आपको पहुँचना है, उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की है। आप किसी दूसरे के लिए नहीं जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आप टेक्स्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल है, तो आप उसको मजबूत करिए, उसमें आपको सुकून मिलेगा, उसमें आपको संतोष मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आप कुछ साल बिता लेंगे इसमें और आप समझ भी जाएंगे। तो अब बचता है इसमें, जैसे आपने एंट्री ले ली, मैंने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दिया कि किस तरह से चुनाव करें इंस्टीट्यूट्स का। कुछ 30-35 इंस्टीट्यूट्स हैं देश में, प्राइवेट और सरकारी मिला के, जिसमें आप कोशिश कर सकते हैं एंट्रेंस दे के किसी तरह से उसमें आप आने की। तो मैंने पोर्टफोलियो की बात की कि आपने किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो मजबूत करना चाहिए, ताकि आप एंट्रेंस के बाद जो उसको फेस करने के बाद जो आपका इंटरव्यू होता है, उसको आप बेहतर तरीके से फेस कर पाएँ और आप उनको साबित कर पाएँ कि आप पत्रकार बनने के मटेरियल हो। अब अंत में आते हैं इसके, जो बातचीत है उसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करने की तरफ आते हैं। तो मैं अब जो है, उम्मीद की बात मैंने करी ली कि आपके पत्रकारिता से आपको क्या उम्मीद है, तो अब आते हैं कि आप जब करियर में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसमें एक ये होता है कि कितना क्या इसमें आमदनी क्या है पत्रकारिता में, क्या कितना कितनी कमाई होती है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो आप देखते हैं कि टॉप के जो 10 के टीवी चैनल्स होंगे, टॉप के जो 5 या 7 प्रिंट मीडिया के जो संस्थान हैं, या फिर जो वेब के संस्थान हैं, वो काफ़ी डिसेंट उनका सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। एक बार आपको उसके अंदर घुसना है, और चैलेंजेस की बात मैं बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हर जगह चैलेंजेस हैं। एक बार आपको उस चैलेंजेस को फेस करके आपको एंट्री लेनी है, और फिर उसमें बदलते हुए जर्नलिज्म को आप देखेंगे। लक्ष्मी सर फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म का कह रहे हैं, मैं उसी पे आने वाला हूँ कि जैसे उसकी शुरुआत मैंने कर दी थी कि जो पत्रकार है जो अपनी तरफ से कुछ लिखता नहीं है, फ्यूचर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएंगी, क्योंकि रीडर जो है, रीडर का भी काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है इस प्रोसेस में, और उसको उसको जो है एक्सपर्ट से सुनना है, उसको जो है ग्राउंड से रियलिटी जो है वो ग्राउंड के लोगों से देखनी है। अगर किसी गांव वाले की रियलिटी बता रहे हैं आप, तो गांव वाला सीधे वो चाहेगा जो ऑडियंस है आपका, कि वो बताए कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, बीच में वो कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता। तो ये एक तरह से लिखने की शैली में आप देखेंगे, आप कोई भी प्रतिष्ठित आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, प्रतिष्ठित मैगजीन की या प्रतिष्ठित वेब पोर्टल्स की, तो उसमें आपको दिखेगा कि रिपोर्टर जो है अपने विचार उसमें बहुत ठूस नहीं रहा है, वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा है। फ्यूचर में जो कंटेंट की इंडस्ट्री है, उसमें मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े, और जिसमें मैंने देखा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसमें बहुत तेज़ी से अपनी पैठ बना रहा है, किस तरह से कंटेंट का जो स्वरूप है, जो जैसे जो सर्च इंजन्स की वजह से वो बदला है और वो लगातार बदल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि आप अगर सर्च करें गूगल पे कि टॉप जर्नलिज्म कॉलेजेस इन इंडिया, तो हो सकता है, बहुत संभव है कि आपको कुछ ऐसे जर्नलिज्म कॉलेजेस उसमें दिख जाएं जो शायद टॉप में नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल इस तरह से लिखवाया गया, इस तरह से प्रमोट किया गया है कि वो आप तक पहुंचे। तो ये कंटेंट में ये एक सेक्टर जो है वो बहुत तेज़ी से कैप्चर कर रहा है जर्नलिज्म को, कि वो पूरी शैली खबर वाली रहती है, पूरा उसमें भी फैक्ट्स का हवाले दिया जाता है। जैसे आप अगर सर्च करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल, तो जो 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 लोग चाहते हैं कि अल्कोहल का एडवांटेज लोगों के दिमाग में ज़्यादा रहे, तो आपको जो पहले दूसरे आर्टिकल्स होंगे अगर वो डिसएडवांटेज पे भी फोकस्ड हैं, तो उसमें आपको एडवांटेज दिखने शुरू हो जाएंगे नीचे। इस तरह से जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी, वो अपना कंटेंट जो है किस तरह से
प्लान कर रही हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक जर्नलिज्म का एक बदलता हुआ स्वरूप है जो कंटेंट वाला है, जिसमें जिसमें जो है फैक्ट के साथ बहुत खेला जाता है, जिसमें बहुत सारे मतलब आपको जो सोर्सेज हैं, रिसर्च हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्लांट की जाती हैं। तो इसमें जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो काफ़ी ट्रैप में है, क्योंकि उसको उसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो इस तरह का है कि उनको रेवेन्यू इन तरह की कंपनियों से मिलता है और इस तरह के आर्टिकल्स प्रमोट होते हैं। तो आप जब जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे तो जब, क्योंकि आप आपके अंदर एक विचार चल रहा है, आपके अंदर एक सोच है, आप जर्नलिस्ट बनने आए हो, अगर आप बहुत ऑनेस्टली जर्नलिज्म करना चाहोगे तो आपको ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं कि हो सकता है आपको किसी के पक्ष में इस तरह का आर्टिकल लिखना पड़े। तो ऐसे वक्त में वेब में एक बहुत, क्योंकि वेब जो है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन खोज रहा है, रेवेन्यू मॉडल का सॉल्यूशन खोज रहा है। तो वेब में कुछ नए जो वेबसाइट्स आए हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और वो ऐसा फील करवाते हैं कि हम पुराने समय के जर्नलिज्म में जी रहे हैं, जबकि एक मिशन हुआ करती थी और हम सबका मकसद था कि हम जो है ना देश को आज़ाद करवाएं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उस तरह से एक फीलिंग अभी जो है वो आ रही है कि जो फैक्ट रिपोर्ट्स हो रहे हैं, जो बहुत ही मेहनत के साथ बैकग्राउंड में जाके उसको एक्सपोज किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जो सच है वो सामने आ रहा है, वो वेब में हो रहा है। एक नया मीडिया, वेब का एक नया सेगमेंट तैयार होता जा रहा है, जिसे मैं कह रहा था कि जो रीडर ओरिएंटेड है और जिसके आर्टिकल्स पे काफ़ी हद तक यकीन किया जा सकता है, जिसने अपनी पुराने कई सालों से मेहनत की मेहनत से अपनी एक साख जो है वो बनाई है वेब मीडिया में। तो ये फ्यूचर मुझे जो वेब का दिख रहा है वो एक इस तरह का मैंने बता दिया। अब मैं AI की बात कर रहा था, ये हमेशा हर फील्ड में हमारे साथ ये जो ऑटोमेशन जो होता जा रहा है ये एक चैलेंज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, मैं अलग अलग पब्लिशर से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे एक बहुत एक पब्लिशर जो अमेरिका के हैं उनके साथ मुझे अभी काम करने का मौका मिल रहा है। मैंने उनका जो खबर पिच करने का जो उनका डैशबोर्ड देखा, इंटरफेस देखा, उसमें मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी तकनीक काम कर रही है। जैसे मुझे जो है उस तकनीक को ये समझाना है कि इस खबर में दम है, तो वो खबर में जो आपको मैं SEO के बारे में बता रहा था, जो टैगिंग होती है जो ऑनलाइन जिसमें जो प्रचलित शब्दों को डाला जाता है, तो उसमें उस खबर में मुझे ये लिखना पड़ता है कि इसमें कौन कौन से, इस खबर के बीच कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे जो इंटरनेट पर काफ़ी प्रचलित हैं, और वो सब जो है एक सॉफ्टवेयर है बैकग्राउंड में जो मैं इनपुट डालूंगा, उससे वो जो एडिटर है जिसे डिसाइड करना है कि ये खबर हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये खबर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको एक हिंट मिल जाएगा उस सॉफ्टवेयर से कि इस खबर में क्या पोटेंशियल है, इस ये खबर कितने लोग पढ़ना पसंद करेंगे, क्या कौन से लोग किन विषयों पर पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले प्रिंट में जो है एडिटर्स अपने अनुभव के आधार पर डिसाइड करते थे कि क्या खबर जानी चाहिए, किस तरह की खबर चलेगी, पर अब रीडर का एक बड़ा समूह जो है वो डोमिनेट कर रहा है, वो जो पढ़ रहा है उस तरह की खबरों पे ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। जैसे कि COVID-19 में आपने देखा होगा कि हर वेबसाइट कोविड की खबरों से भरा हुआ है, लेकिन रीडर्स का एक जो बड़ा ग्रुप है वो तंग आ गया कोविड की खबरों से। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ कि 71% लोग, हाल का रिसर्च है, 71% लोग कोविड से रिलेटेड कोई खबर नहीं पढ़ना चाहते, वो अब थक गए हैं, ऊब गए हैं। तो वहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, जो इन रिसर्च पे बिलीव करती है, उन्होंने अपने खबरों में इस तरह के बदलाव किए ताकि वो रीडर से जुड़े रह सकें। तो हमें अपने आप को उस ढंग से रीडर को देखते हुए कि हम मांग क्या है, किस तरह की खबरों की डिमांड है, वो हम उस तरह से हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, हमने AI की बात कर ली, हमने इसकी बात कर ली कि किस तरह से जो कंटेंट बदल रहा है और उसको पार पाने के लिए, कंटेंट में जो मार्केट जो हावी हो रहा है कंटेंट पे, जो खबरों पे, उसको पार पाने के लिए किस तरह के जर्नलिज्म के जो नए जो टूल्स आए हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। अब मैं AI में एक और बात करना चाहूँगा, जो मीडिया में जो बोट्स आ गए हैं, रोबोट्स जिसे कहेंगे, जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अगर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है लिख, तो मुझे ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि उसमें मुझे सजेस्ट करते हैं कि ये शब्द गलत हो गया। इस तरह से जो बड़े मीडिया संस्थान हैं
उनकी उनके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे नए बदलाव आ रहे हैं जिसमें लोगों की एक चैलेंज है। मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों की ज़रूरत जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है, क्योंकि जो बोट्स है वो बहुत सारी चीज़ें खुद से ही ठीक कर दे रहा है। और कॉपी में जब आप कोई ख़बर लिखते हैं तो उसमें क्या कमी है वो एडिटर को वो रोबोट बता देता है, वो सॉफ्टवेयर बोट बता देता है। सॉरी तो ये एक जो बदलाव है, चैलेंज है हमारे लिए आगे आने वाले समय में, और एक बहुत बड़ा टूल भी है हमारे लिए कि कैसे हम इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि ह्यूमन इंटर क्योंकि ये बहुत ऐसा है कि रीडर्स के साथ बहुत खास संबंध होता है जर्नलिज्म का, पत्रकार का, कंटेंट का, तो इसमें हमेशा तो शायद सॉफ्टवेयर इतना डोमिनेट ना कर पाए, इंसानों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, लेकिन बहुत काम बहुत हल्का कर दिया है। जैसे अगर मैं कोई पिच भेजता हूँ तो सामने वाले एडिटर को सिर्फ ये टिक करना है कि वी आर एक्सेप्टिंग दिस पिच, इसके बाद वो मेल पूरा लिख के तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको बस दो चार जगह टिक करना है, एक दो लाइन लिखनी है और वो मेल मेरे पास आ जाता है तैयार होके कि उनको बेसिकली चाहिए क्या। समय बहुत बचा रहा है जो जिस तरह का फ्यूचर मुझे समझ आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें हमें जब करियर की बात करते हैं तो हमें अपने आप को खुद को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। मैं एक और बात जो फ्यूचर में जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा था कि मीडिया कैसे स्थानीय स्तर पे बहुत बहुत अपनी गहरी पैठ बना रहा है और बहुत फेमस जो लोकल पोर्टल्स हैं काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हाँ लक्ष्मी सर का जो है कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। मैं बस लास्ट जो है रीजनल जो जर्नलिज्म है उसके बारे में कुछ बात करके कुछ सवाल फिर मैं लेने की कोशिश करूँगा आप लोग से, तो आप लोग सवाल आप साथ में डाल भी सकते हैं। तो मैंने देखा कि जो फेसबुक ग्रुप्स या जो छोटे मोटे जो पोर्टल्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, उनका जैसे ही रेवेन्यू मॉडल तैयार होगा आप लोगों के लिए वहाँ बहुत सारी करियर की संभावनाएँ होंगी। वो एक बदलता हुआ स्वरूप है, शहर का अखबार, शहर का न्यूज़ पोर्टल, इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ सवाल अगर एक दो मिनट में आते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी जो कुछ पुराने सवाल आपने कमेंट्स में किए हैं मैं उसमें कमेंट्स पढ़ के एक बार आपको वहाँ उसके रिप्लाई में वो जवाब देने की कोशिश करूँगा आज रात तक। मेरे ख्याल से अभी कोई सवाल आ नहीं रहे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, और आपके अगर कोई बाद में जो ये वीडियो देखें आप ये, क्योंकि लाइव ख़त्म होने के बाद ये वीडियो फिर से आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप तब भी कोई सवाल आपके अगर हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोई बात अगर आपको लगे कि छूट गई है आप वो पूछना चाहें तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ वो जवाब दे दूँ। तो इस लाइव को अभी यहाँ विराम देते हैं और जुड़े रहिए, आगे जो करियर्स हैं, जो करियर ऑप्शंस हैं जिन पे आगे चर्चा होनी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा, हम सब उसको भी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सिविल सर्विसेज क्लब, लक्ष्मी सर थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए, इतनी लंबी हम बातचीत कर पाए आप लोगों के साथ, और आगे भी ये संवाद जारी रहेगा और इस तरह की जो कोशिशें हैं वो लगातार होती रहनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव प्रयास है। थैंक यू वेरी मच, मैं ये लाइव अभी एंड कर रहा हूँ, थैंक यू।